अगर आपको हाई वोल्टेज के बारे में कोई जानकारी ना, तो इसे घर पे ना करें। तो दोस्तों ये हमारे पास एलईडी टीवी, ये देखिए लोकल कंपनी की है 24 इंच, और इसमें सप्लाई प्रॉब्लम है, सप्लाई नहीं आ रही, रेड लाइट इसकी नहीं जल रही। तो आइए देखते हैं इसमें, ये देखिए रेजिस्टेंस जल चुकी है, ये ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट है और इसका ये मॉस्फेट भी शॉर्ट है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से निकालेंगे, इन सब कंपोनेंट को निकाल देना है कि मॉस्फेट है, ये शॉर्ट है, रेजिस्टेंस भी शॉर्ट है। ये देखिए इसको आयरन से निकाल लेना है, या तो हार्ड गन से अभी आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको आयरन से ही निकालूंगा। ये देखिए, इसके बाद और मैं इसमें लगाऊंगा आप 5 वाट की जो मॉड्यूल आती है, ये देखिए इसको लगाऊंगा, क्योंकि ये मॉस्फेट मिलेगा नहीं और हम लगाएंगे मॉड्यूल और ये एक बार में चल जाएगी। तो आइए इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं रेड वाली वायर कैपेसिटर पे जाएगी, ओह सॉरी यार कैपेसिटर नहीं, डायोड पे गई है, वाइट वाली कपलर पे जाएगी, ये मॉस्फेट के ड्रेन पे लगेगी, पीली वाली ग्रीन वाली पॉजिटिव पे लगेगी कैपेसिटर की, और जो ब्लैक वायर है वो नेगेटिव पे लगेगी कैपेसिटर की। इसको ऐसे इंस्टॉल कर लेना है, आप देख सकते हैं वायर कहाँ कहाँ लगी है। उसके बाद इसको अच्छे से स्वैप कर लेना है, ये देखिए अच्छे से क्लियर, अच्छे से क्लियर करने के बाद अब इसको हम मेन में लगाएंगे और देखेंगे कि हमारी लाइट आ रही है कि नहीं। तो मेन इसको देंगे, देखिए इसकी सप्लाई चालू हो चुकी है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एलईडी, ये देखिए चालू हो चुकी है। अब इसको ऑन करेंगे, ऑन करने ये ऑन बटन से बहुत कम लोग ऑन करते हैं, इसलिए जल्दी ऑन नहीं होती, रिमोट से ज़्यादा ऑन होगी। टीवी हमारी ऑन हो चुकी है, ये देखिए एलजी लोकल है 24 इंच की है। तो ऐसे इंस्टॉल किया जाता है मॉड्यूल एलईडी टीवी में। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, अगर आपको ये जानकारी फ़ायदेमंद लगे, ये फ्रेशर इलेक्ट्रीशियन के लिए जो इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, उनके लिए अभी फ्रेशर के लिए बहुत अच्छी जानकारी है, आप देखकर ऐसे लगा सकते हैं इसको। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।